Hi everyone, welcome back to my channel Learn with Priyanka. So today we're going to discuss another important topic, and the name of our topic is difference between formal and informal communication. So let's start with the topic, but before this, if you are new to my channel then do subscribe it and don't forget to ring the bell icon. So difference ko samajhne se pehle, let's understand what is formal communication and what is informal communication. देखो, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, जहाँ पे आपका फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी डिफाइन होता है, ठीक है, कि आपको इस तरीके से इन्फॉर्मेशन करनी है. यहाँ पे एक चेन ऑफ कमांड है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है. जैसे कि जनरली अगर मैं बात करूँ, सो आपके ऑफिस में फॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज़ होता है, ठीक है. एंड अगर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे कोई चेन ऑफ कमांड आपको फॉलो नहीं करनी पड़ती, यहाँ पे प्रॉपर फ्री फ्लो होता है कम्युनिकेशन का. यहाँ पे आप अपने पर्सनल चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करते हो, अपनी प्रोफेशनल चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करते हो, या अपने घर में आप जैसे बात करते हो, वो होता है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है. यहाँ पे आपको ज़्यादा सोच समझ के बात नहीं करनी होगी. बट इफ़ वी टॉक अबाउट फॉर्मल कम्युनिकेशन, सो इट इज़ प्री डिफाइंड, ठीक है, कि आपको इसी तरीके से कम्युनिकेट करना है, ठीक है. सो देखो यहाँ क्या लिखा है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, द कम्युनिकेशन इन विच द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इज ऑलरेडी डिफाइंड इज टर्म्ड एज फॉर्मल कम्युनिकेशन. जहाँ पे फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी डिफाइंड होता है, उसको कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन. द कम्युनिकेशन फॉलोज अ हायरार्किकल चेन ऑफ कमांड विच इज एस्टेब्लिश्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ. इन जनरल दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली इन वर्क प्लेस and the employees are bound to follow it while performing their duties. Formal communication कहाँ पे generally follow होता है, ये generally follow होता है वर्क प्लेस पे, जहाँ पे employees bound है कि उनको अपनी duties को perform करते time they have to use formal communication. Whereas if I talk about informal communication, so which does not follow any predefined channel for the transmission of information is known as informal communication. यहाँ पे कोई predefined channel नहीं होता आपको information को transmit करने के लिए. This type of communication moves freely in all directions. ये जो communication है ये किसी भी direction में move हो सकती है. Thus it is very quick and rapid. ये बहुत quick होती है and rapid है. In any organization this type of communication is very natural as people interact with each other about their personal, professional and other matters. ठीक है, समझ आ गया फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. देखो मीनिंग क्या लिखा है, मीनिंग में यही आएगा कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसका चैनल ऑलरेडी प्री डिफाइन होता है कि आपको किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई ऐसा चैनल नहीं होता, ठीक है, ये ऑल डायरेक्शंस में फ्रीली मूव करती है. देखो क्या लिखा है, अ टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इन विच द इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज डन थ्रू द प्री डिफाइंड चैनल्स इज नोन एज फॉर्मल कम्युनिकेशन. एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में देखो क्या लिखा है, अ टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इन विच द इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन डज नॉट फॉलो एनी चैनल. यहाँ पे कोई चैनल को फॉलो नहीं किया जाता, जो आपके मन में आ रहा है आप वैसे ही बात कर सकते हो, ठीक है. आपको कोई चूज नहीं करना वर्ड्स को कि कैसे वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं. अपने दोस्त से बात करते टाइम, आप अपने पेरेंट्स के साथ बात करते टाइम नहीं सोचते कि आपको कैसे बात करना है, राइट. सो वही होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, द कम्युनिकेशन स्ट्रेचेज इन ऑल डायरेक्शंस. नेक्स्ट इज स्पीड. देखो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है वहाँ पे स्पीड जनरली स्लो होती है, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे आपको सोच समझ के बोलना है, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट होता है. सो जैसे कि अगर आपको लीव्स के लिए अप्रूवल लेनी है, आप अपने मैनेजर को बोलते हो दैट आई नीड लीव्स, तो आपका मैनेजर बोलता है ना कि मुझे एक ईमेल में डॉक्यूमेंट करके दो, तो वही है कि ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है. वेयर एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज फास्ट. अगर हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को कंपेयर करें फॉर्मल कम्युनिकेशन के साथ तो उसकी स्पीड फास्ट होती है. एविडेंस की अगर बात करें, सो एज द कम्युनिकेशन इज जनरली रिटन डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस इज प्रेजेंट. अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें सो ये जनरली रिटन होता है, यहाँ पे एविडेंसेस प्रेजेंट होते हैं. वेयर एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में देयर इज नो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है. देखो रिलायबिलिटी, जिसके एविडेंसेस प्रेजेंट है
वो ज्यादा रिलायबल होगा, और जिसके कोई प्रूफ्स ही नहीं आपके पास अवेलेबल, वो लेस रिलायबल होगा। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन लेस रिलायबल होती है एज कम्पेयर टू फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन ज्यादा रिलायबल होती है बिकॉज उसके प्रूफ्स अवेलेबल होते हैं। अनदर नेम, फॉर्मल कम्युनिकेशन को एक और नाम से जाना जाता है विच इज ऑफिशियल कम्युनिकेशन, एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज टाइम कंज्यूमिंग। देखो, फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो ज्यादा टाइम लेता है, वेयर एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कम टाइम लेता है। ठीक है, क्योंकि इनको एक चेन ऑफ कमांड को फॉलो करना पड़ता है, इनको कोई चेन ऑफ कमांड को फॉलो नहीं करना पड़ता। सिक्रेसी की बात करें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में फुल सिक्रेसी मेंटेन होती है, बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में सिक्रेसी मेंटेन नहीं होती। यहाँ पे आपने एक बात अपने फ्रेंड को बताई, आपका वो फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को बताएगा, सो यहाँ पे सिक्रेसी मेंटेन नहीं हो पाती। लेकिन अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे सिक्रेसी मेंटेन होती है। सो आई होप दैट दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू नाउ। अगर आपको कोई डाउट है, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट डाउन योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक श्योर टू रिजॉल्व योर क्वेरीज एज सून एज पॉसिबल। तब तक के लिए बाय बाय।